हम बात करते हैं जी पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की। पाकिस्तान में हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे हैं कि जो कि दिल के आरज़े के साथ पैदा होते हैं, और चूंकि उन बच्चों का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से होता है तो वो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसा इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। गुज़िश्ता 9 बरस से वो इदारा गरीब और मुस्तहिक बच्चों का इलाज कर रहा है, और इस फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत सारे बच्चों का मुफ्त इलाज किया। बानी पाकिस्तान चिल्ड्रन फाउंडेशन जनाब फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फरहान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइए कुछ हमें अपने इस इदारे के बारे में। ये इदारा आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। 2010 में एक ज़ाती हादसे से गुजरना पड़ा। मेरी सबसे छोटी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ जिसको पैदाइशी दिल का आर्ज़ा कहते हैं वो लेकर पैदा हुई। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी, तकरीबन 3 साल वो हमारे साथ रहीं। इस टाइम में ना उनकी एक प्रोसीजर हुआ और एवरी सेकेंड डे हमें डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने पड़े। बाय प्रोफेशनल जी मैं एक आईटी का एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी अपनी कंपनी अमेजोन कंसल्टिंग जहाँ से अल्लाह का शुक्र है मेरे घर का सिलसिला चलता है। तो आयशा की ज़िंदगी में हमने इस फाउंडेशन का आगाज़ रखा, नाम इसका पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन रखा, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग की अशद ज़रूरत है सर। जैसे आपने जिक्र किया कि सालाना 50 से 60 हज़ार बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होता है और बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं जो अभी हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो अब ये आपका जो इदारा है 9 साल से ये बच्चों का इलाज करवा रहा है, अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इलाज आप लोग करवा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया 2400 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज और इंटरवेंशन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इदारे से अल्लाह ने फजल फरमाया और हुई। एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख का खर्चा आता है जी। तो तकरीबन कोई 88 करोड़ रुपया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हुआ और बच्चों की हार्ट सर्जरी पर लगा सर। तो डोनेशन वगैरह का सिलसिला चलता रहता है या कभी उसमें कोई कमी पेशी होती है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये कोरोना के दिनों में डेफिनेटली जो लोगों का रुझान था वो पावर्टी की तरफ और कोरोना से इफ़ेक्टेड जो चैरिटीज़ हैं उनकी तरफ यानी राशन की तरफ डाइवर्ट हुआ जी। लेकिन मैं आपके इदारे के तवस्सुर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान में थी वो पहले सालों से ज़्यादा हुई, और एग्जैक्ट यूनिसेफ के नंबर है 57,000 बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ के साथ लास्ट ईयर पैदा हुआ है। तो ये बच्चों को भी उतनी ही ज़रूरत है जी जितनी किसी कोरोना की या किसी और कोरोना रिलेटेड चैरिटी में लोग सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे भी उतने हैं, कतारें भी उतनी लगी हुई हैं और उतनी ही सर्जरीज हमें करवाना पड़ी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करवाना पड़ रही हैं। सही। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि हम बहुत मरतबा ये देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा इलाज है दिल के मर्ज़ का ख़ासतौर पर जो कि पाकिस्तान में नहीं होता है, उसकी क्या वजह है? और फिर भारत जाना पड़ता है बहुत सारे बच्चों को जिनकी खबरें भी आती रहती हैं, वहाँ पर फिर उनका इलाज होता है। तो एक तो ये कि आपका इदारे में किस किस बीमारी का इलाज हो जाता है और कौन सी ऐसी हैं कि जिनके लिए बाहर जाना पड़ता है? जी तकरीबन कोई 35 से 40 टाइप्स ऑफ बीमारियां होती हैं पैदाइशी दिल की, जिसमें से आम फहम में दिल का सुराख कहा जाता है। आज मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में वो सारी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं जो किसी भी पड़ोसी मुल्क में या किसी इंटरनेशनल मुल्क में एज ऑफ टुडे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी या कार्डिक सर्जरी की ज़रूरत है। जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है क्वांटम का सर। अगर हमें ज़रूरत है 20,000 सर्जरी की तो हमारे पास फैसिलिटी है सिर्फ 5,000 सर्जरी की। तो कैपेसिटी का इशू है, एक्सपर्टीज का सर इशू इन जनरल नहीं है। नहीं है। सही सही है। और इसके अलावा जब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस का इलाज आपके हार्ट फाउंडेशन करती है, तो उसमें आप बता सकते हैं लोगों को ताकि लोगों को पता चल जाए और वो जिनके बच्चों में वो अमराज हैं तो वो आपकी तरफ आ सकें? जी आम फहम में जो दिल का सुराख है ASD VSD इसको कॉमन बीमारी कहा जाता है। टॉफ जो है जिसमें मल्टीपल करेक्शन की ज़रूरत है वो एक कॉमन बीमारी है। फिर अल्लाह का ऐसा इसमें ख़ास जी रिकवरी का निज़ाम है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्विच एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बच्चे की शरियाने उल्टी लगी हुई होती हैं, उसमें 21 दिन के अंदर अंदर बच्चे को ऑपरेट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने 3 दिन का बच्चा भी ऑपरेट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बच्चा भी ऑपरेट करवाया। 2400 बच्चों में से ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये स्विच के केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने सपोर्ट किए जी। सही। तो अब आगे क्या टारगेट्स हैं आपके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप और आपका इदारा अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए किस तरीके से आप लोगों की मदद की जा सकती है?
जी बहुत अच्छा सवाल है। असल में जो चैलेंज है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वो है कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो अब हमारा जो फोकस है वो है एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बनाना। 2012 में जब ये फाउंडेशन का आगाज़ हुआ तो हमने इसकी फिजिबिलिटी उस वक्त से रखी हुई थी। पहले हमने फोकस किया कि क्रेडिबिलिटी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 4 कंपनीज़ जो ऑडिट किए उसमें से एक कंपनी हमें ऑडिट भी करती है, तो हमने स्ट्रक्चर बिल्ड किया। सर अब हमारा फोकस है एक 75 बेड का बच्चों का स्पेशलाइज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी का हॉस्पिटल बने, जिससे ना सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके बल्कि इंशाल्लाह रिसर्च के दरवाजे भी खुल सकें। इसमें जी टोटल जो फंडिंग करंट रिक्वायर्ड है वो टोटल प्रोजेक्ट है 2 अरब और 25 करोड़ का। उसमें से जो पहला फेज़ है वो है 36 करोड़ का ग्रे स्ट्रक्चर का। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अल्लाह ने फजल फरमाया कि तकरीबन 12 करोड़ कैश इन हैंड इकट्ठा हो गया, कोई 10 करोड़ की प्लेजेस हैं और वी आर शॉर्ट ऑफ अबाउट 12 से 13 करोड़। और इसमें हम मुखैर हजरात से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी आप कैश देना चाहें, डोनेट करना चाहें, सीमेंट देना चाहें, सरिया देना चाहें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें जगह 25,000 स्क्वायर फीट डोनेट की है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। बल्कि लाहौर में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आएँ, विज़िट भी करें, देखें भी, और डोनेशन इन काइंड भी दे सकते हैं और कैश की सूरत में भी डोनेशन दी जा सकती है। और ये जो इदारा बनेगा या जो अभी भी काम हो रहा है ये सारा मुकम्मल तौर पर मुफ्त हो रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट खर्च नहीं होती उन लोगों की जो इलाज करवाने के लिए आते हैं? जी इसमें सर हमारा मॉडल ऐसे लोग जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सके वो तो एब्सोल्युटली 100% सही है, लेकिन वो वालदैन जो फ़र्ज़ करें 10% 15% दे सकते हैं, हम इनक्रेज करते हैं भाई अपना हिस्सा डाल दें, जो बाकी का कम हो रहा है वो इंशाल्लाह हमारा इदारा आपके बिहाफ पर हॉस्पिटल को पे कर देगा। बिल्कुल सही। तो कैसे राबता किया जा सकता है आपके इदारे से जो लोग आपके इदारे की मावनत करना चाहें? सर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव सोशल मीडिया है। मैं दो इसमें ज़रूर गुजारिशत करूँगा, एक है पेशेंट हमसे कैसा राबता करे। सही। तो पाकिस्तान के टोटल सर 8 से 10 पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं और 30 से 35 कार्डियोलॉजिस्ट हैं पीडियाट्रिक्स, तो उन तक हमारी ऑलरेडी रसाई है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसके वालदैन अफोर्ड ना कर सकते हो तो वो तो बेस्ट उनके थ्रू हम तक पहुंच सकता है। दूसरा सर हम काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल पर जाकर सिर्फ आप इतना लिख दें फ्री हार्ट सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डिक हार्ट सर्जरी, मिसबास फाउंडेशन, बच्चों के दिल का सुराख, तो वो आसानी से हम तक रब्ता हो सकता है। फिर सर हमारी हेल्पलाइन है 0311111 HEART, यहाँ कॉल करके बच्चा रजिस्टर हो सकता है। डोनर्स के लिए भी एग्जैक्टली यही नंबर है, कॉल सेंटर है, यहाँ कॉल करें अगर कोई डोनेशन पिकअप करवाना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी है। हर बड़े बैंक अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है, जो पैसे आते हैं सर वो मुस्तहिक बच्चे तक या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के अलग अलग अकाउंट्स में उस जगह पर जी लगते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरहान साहब, आपने वक्त दिया और बड़ा एक अहम काम आप सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए।